नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक हमारे सब्सक्राइबर है उनका कमेंट था कि अगर फोटोशॉप में मिक्सचर टूल नहीं है, मेरे फोटोशॉप में 7.0 या फिर CS3 इसमें अगर मिक्सचर टूल नहीं है तो कैसे काम करेंगे, कैसे क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, चेंजेस किया जा सकता है कि नहीं, और भी सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड टेक्निकली वीडियोज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फोटोशॉप CC में कि यहाँ पर मिक्सचर टूल है तो कैसे वर्क करता है मिक्सचर टूल और क्या क्या काम करेगा। यहाँ सबसे पहले इधर पे आना और यहाँ देखेंगे मिक्सचर ब्रश टूल है। यहाँ जैसे क्लिक करूंगा ये ब्रश टूल चालू हो जाएगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल L का बटन दबा के थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा यहाँ से, और ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा, लेवल भी चेक करूंगा, और यहाँ से मैं इस वाले टूल में क्लिक रखूंगा। यहाँ मिक्सचर टूल कैसे काम करता है, इधर पे आना, अल्टर की बटन दबाए रखना है और जहाँ जगह साफ सुथरा नजर आ रही है यहाँ पर स्किन, वहाँ क्लिक करना और उसके बाद में इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी परसेंटेज लेवल को बढ़ाया जा सकता है थोड़ा थोड़ा, और देखेंगे अब सही तरीके से काम कर रहा है सॉफ्टवेयर। आपको अगर लग रहा है कि चीज़ें सही तरीके से काम नहीं कर रही, तभी आप चीज़ों को चेंजेस करते हैं। यहाँ देखेंगे, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको मैं दिखाऊँगा कि कैसे कैसे मिक्सचर टूल काम कर गए। यहाँ पर ये चीज़ हो गई और यहाँ से देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे काम कर गया यहाँ। देखेंगे यहाँ से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और अब आप देखेंगे यहाँ माथे पे जो चीज़ मैंने मिक्सचर टूल का यूज़ किया है वो पहले कुछ ऐसा था, अब कुछ ऐसा हो गया था। ये जो लाइनें थी, सर्कल्स थे और जो डॉट डॉट थे, उस चीज़ को मिटाने के लिए मिक्सचर टूल का यूज़ कर लिया मैंने। दूसरी चीज़ अब मैं बताता हूँ कि अगर फोटोशॉप CS3 ना हो तो दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसे बनाया जा सकता है, ये चीज़ मैं समझाऊंगा। यहाँ से इसको मैं कट कर दूंगा, सबसे पहले फोटोशॉप CC को अब CS3 में बताऊंगा ये चीज़ कैसे काम करेगी। और यार ये चीज़ आपको जानना बिल्कुल जायज है कि अगर आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है तो ओल्ड सॉफ्टवेयर है, उस चीज़ को कैसे किया जा सकेगा या फिर उसको कैसे फिनिशिंग की जा सकती है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। और ऐसे कॉमेंट करिए ताकि मैं वो चीज़ को आपको डिफाइन करके बताऊँ। हर वो चीज़ आर्ट बालाघाट में आपके हिसाब से मिलेगी जो आपको समझना है। हर अपनी प्रॉब्लम को इंस्टाग्राम पे आके बताओ, मैं सारी चीजों को मेंशन करके बताऊंगा। यहां से देखेंगे CS3 ओपन हो चुका है, फोटो वही लूंगा मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पर, और देखेंगे यहां पर उस चीज को मैं कैसे करूंगा। यहां ब्रश टूल में आना है और यहां चेकआउट करूंगा मैं कि यहां पर ब्रश टूल में मिक्सचर टूल है क्या, तो कलर रिप्लेसमेंट टूल है लेकिन यहां मिक्सचर टूल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, वही चीज मुझे करनी है यहां पर, तो यहां से मैं क्या करने वाला हूं, लेयर का बटन लेके आता हूं सबसे पहले लेयर, और इसकी कर लेंगे कॉपी, बना लेंगे कॉपी, बना लिया। और कॉपी बनाने के बाद में मैं इसको कंट्रोल L के साथ मैं इसको लाइट बढ़ाऊंगा, लाइट बढ़ा लिया और इसके ऊपर भी लाइट बढ़ा लेता हूं, ये लाइट सॉरी गलत हो गया मेरी समझ से, और कंट्रोल L, और यहां से मैं लाइट बढ़ा लूंगा थोड़ी हल्की, इतनी लाइट बढ़ाऊंगा दोनों फोटो में, और यहां से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। कैसे एडजस्ट करूंगा, यहां देखेंगे ये वाला टूल लिया क्लोन टूल, और क्लोन टूल से इधर पे इधर इसको चलाना है, ठीक है 26, देखेंगे ध्यान से लेयरों को चेंजेस किया जरूर है मैंने, लेकिन आपको वो चीज में ध्यान नहीं देना है, ये चीज ध्यान देना है कि मैं इस फंक्शन में कैसे काम कर रहा हूं। अगर मैं इस चीज को काम करवाता हूं तो, या फिर इस चीज से बनाता हूं तो, अगर आपके सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास में तो आप कैसे कर पाएंगे। अब आप देखेंगे पहले फोटो कुछ इस तरह से थी और इस तरह से मैंने कर दिया इसको, तो ये चीज कहां काम आई और क्यों आई, तो यार ऐसा है कि कई सारी चीजें ऐसी बदलाव करनी होती और वहां पर वो टूल नहीं मिल पाते, दूसरे टूल से भी किया जा सकता है, दूसरे क्लोन से टूल से भी किया जा सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि आप असंभव कोई चीज है फोटोशॉप के अंदर में, वर्ल्ड वाइड अनलिमिटेड चीज, हर वो चीज को फोटोशॉप से किया जा सकता है जो चीज आप सोच सकते हो। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तुरंत आओ, मैं बात करूंगा, वेबसाइट चेक करो, फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट में हिंदी आर्टिकल बनाया मैंने, उस चीज़ को करिए, वहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। फॉलो सब्सक्रिप्शन जरूर कर लेना वेबसाइट को ईमेल डाल के, ताकि पोस्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।